नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है या होने वाला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं जो कई बार रिपीट हो चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और नए सिलेबस पे आधारित है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, हो सकता है इस वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं वो आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ। तो ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, मैं आपसे एक मिनट लेना चाहूँगा इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, प्लीज़ आप हमें एक मिनट दीजिएगा, आपकी परमिशन है। ओके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जो कि ट्रिपल सी की है, आप ही लोगों की एक वेबसाइट है, जो कि उन स्टूडेंट के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाई है। जैसा कि कोई ऑनलाइन या कहीं जा रहे हैं तो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उस सिचुएशन में, तो वो ऑनलाइन पढ़ के अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने उसी के बिहाफ पे बनाई है। तो एक बार ये वेबसाइट आप ज़रूर विजिट करिएगा, ये आप देख सकते हैं, ये लिंक है वेबसाइट का, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको वेबसाइट का लिंक है ये वाला, ठीक है, ये वेबसाइट का लिंक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये वेबसाइट ज़रूर एक बार ओपन करिएगा। और आपको इसमें जो पब्लिश किए क्वेश्चन अच्छे लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, आपको अच्छे लगे तो बेशक करिएगा, अदरवाइज आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपके एलिजिबल नहीं है तो बेशक आप ना कमेंट करिएगा, डिसलाइक करके चले जाइएगा, लेकिन पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, एक बार विजिट करिएगा प्लीज़, ठीक है, इसी की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और हाँ, जो फेसबुक का पेज है मेरा, इससे भी आप लाइक करिएगा। और इस पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, ओके, एग्ज़ाम है तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएं तो वो आप हमें इस फेसबुक पेज पे बताइए, या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप भेज सकते हैं, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे स्टूडेंट को बता सकूँ जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिससे उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यानी आज का टेस्ट, अदरवाइज आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं साहब हमारे। तो आज के जो टेस्ट है यानी क्लास में पहला क्वेश्चन है वो है, गूगल की स्थापना किस सन में हुई थी। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में तो हेल्पफुल है ही, आपके दैनिक जीवन में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई होप दुनिया में सभी लोग अगर मोबाइल है तो इंटरनेट यानी कि गूगल का यूज करते ही हैं, ठीक है। तो जो गूगल की स्थापना हुई है किस सन में हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मैं बिना देरी के बता देता हूँ, 1995 होगा, 1900 होगा, 1998, 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा सी नंबर, 1998 में गूगल की स्थापना की गई है, तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है, लिब्रो ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यता मार्जिन कितना होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दिख ही जाएगा, इस जितने भी आप क्वेश्चन मिलेंगे इस दो नंबर से, जितने भी लास्ट तक के क्वेश्चन हैं सभी में आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है, हाईलाइट इसलिए मैंने कर दिया है कि आप लोगों का ज़रा सा टाइम वेस्ट ना हो। मुझे मालूम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है तो जल्दी जल्दी से आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसलिए मैंने इसका जो क्वेश्चन का आंसर उसे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और हाँ, जो लिब्रो ऑफिस एक नया सिलेबस ऐड हुआ है, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, लिब्रो ऑफिस नया सिलेबस ऐड हुआ है, इसी से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस सिलेबस पे यानी कि लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बनाई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिब्रो ऑफिस के स्पेशल क्लास जो है उसका लिंक दे दूंगा, वो क्वेश्चन एक बार आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर एक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, एक्सेल में सेलिंग, ठीक है, 100.5 का मान कितना होगा। टाइप करने में पहले आपसे सॉरी मैं चाहूँगा इस बात की, आपसे रियली सॉरी चाहूँगा, क्योंकि जो टाइप करते हैं हम, जब क्वेश्चन टाइप करते हैं तो उसमें कुछ वर्ड रॉन्ग हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर से एक्सेल में सेलिंग 100.5 का मान होना चाहिए था, है ना, का मान कितना होगा, तो क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ा मिस हो जाती है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहूँगा, वो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर होगा 100,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड होता है? तो करेक्ट आंसर आपको इसको मिल जाएगा टूल्स, ठीक है, टूल्स में मेल मर्ज और लेटर विजार्ड ऑप्शन होते हैं। एक बार अगर आप सिस्टम है लिब्रो ऑफिस इंस्टॉल किया है तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, लिब्रो ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? टेबल को इंसर्ट करने की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करेंगे तो टेबल वो इंसर्ट होके आ जाएगी, आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस F12 हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इसमें तो क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया जिसका जो करेक्ट आंसर, लेकिन ट्रिपल सी एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आपको ब्लैक में मिलेंगे, जिसका करेक्ट आंसर आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा, ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4, जो करेक्ट होगा उस पर आपको टिक करना होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, डॉस में फाइल को डिलीट करने के लिए कमांड होता है। अब यहाँ पर डॉस की बात आती है, ना कि कंप्यूटर की, सॉरी कंप्यूटर की तो बात है ही, लेकिन जो कई प्रकार के आप लोग के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपने विंडोज पढ़ा होगा, लिनक्स, यूनिक्स और डॉस भी पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक से क्लास की है तो पता होगा। तो डॉस का जो पूरा नाम होता है वो होता है डिस्क, ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क, मैं फुल नेम कर देता हूँ, डिस्क ऑपरेटिंग, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा आप, उसके बाद सिस्टम, SYSTEM, ठीक है। तो जिसमें डिलीट करते हैं उसको कमांड चलते हैं, जैसा कि डेल, MD, CD, इसके शॉर्टकट यानी होते हैं, इनके द्वारा, कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं या किसी भी फाइल को बनाते हैं या उसमें कुछ टाइप करते हैं, इसमें सब कमांड चलते हैं। तो इसमें जो डिलीट किया जाता है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? आज के दैनिक जीवन में आप सभी ईमेल यूज करते होंगे, आई होप मुझे पता है, क्योंकि बिना ईमेल के मोबाइल पे इंटरनेट सफरिंग करना बिल्कुल असंभव है। तो अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो ईमेल यूज करते हैं, तो ईमेल पे आप एक बार किसी को मैसेज करिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, तो उसमें आपको क्या होगा कि जो आप मेल कोई करेगा या आप किसी को करेंगे तो उसके पास जब जाएगा तो वो जब डाउनलोड होगा तो वो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है या प्रयोग होता है, तो वो होता है डी नंबर, POP3। ये भी POP3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और SMTP आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, SMTP भी ईमेल से ही रिलेटेड है। इसका जो फुल नेम होता है SMTP का, मैं आपको बता दूँ क्या करेक्ट आंसर है इसका, इसका फुल नेम क्या है SMTP का, आप कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो प्लीज़, क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, ठीक है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, तो जो SMTP का फुल नेम होता है वो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्पाइवेयर नहीं है? तो नंबर एक है एडवेयर, नंबर बी है वार्म, नंबर सी है दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको फाइनली बता ही दिया कि हाईलाइट कर दिया, तो इसका करेक्ट आंसर वार्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, MS Word में हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कीज, यानी शॉर्टकट कीज या शॉर्टकट क्या होता है या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कंट्रोल प्लस के हो जाएगा। हाइपरलिंक, किसी फाइल को अटैच करने के लिए हम कंट्रोल के का यूज करते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, लेकिन मैंने कई बार रिपीट हुआ है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाल दिया, ठीक है, तो कंट्रोल के हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, GUI का फुल नेम क्या होता है? तो जो GUI होता है उसका फुल नेम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने हाईलाइट ही कर दिया, बी नंबर सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको सिमिलर उसके जो जैसे फुल नेम GUI का, इसी से रिलेटेड आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्वेश्चन का आंसर पढ़ लेना, उसके बाद एक एक मीनिंग देख लेनी, फिर उसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक्सेल में ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं। आप एक्सेल ओपन करते हैं तो उसमें आपको रो एंड कॉलम देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब आप उसमें कुछ डेटा लिखते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, उसके बाद जब प्रिंट देते हैं तो आपने जो डेटा लिखा वही प्रिंट होके आता है, ना कि वो रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम आपको प्रिंट होके नहीं आएंगे, जो आप डेटा लिखेंगे वही प्रिंट होके आएगा। जब आप स्पेशल यानी कि टेबल इंसर्ट करेंगे, वहाँ पर जाके इंसर्ट में, तब जाके
वहाँ पर जब रो एंड कॉलम आप इंसर्ट करेंगे टेबल, तब प्रिंट करेंगे डेटा में, तब आपको वो टेबल देखने को मिलेंगी। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देखने को मिलेंगी, सिर्फ आपको एक्सेल में देखने को मिलती है कि हाँ एक्सेल में ये वाली लाइन आपको मिल जाती देखने को, लेकिन ये इसमें कुछ डेटा लिखता है तो ये प्रिंट होके नहीं आती हैं। जब इसका हम यूज करते हैं अलग से टेबल तब आती हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फाल्स हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है ब्राउजर में न्यू टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। ब्राउजर में चाहे वो नेटस्केप हो, चाहे आपका वो क्रोम हो, चाहे आपका यूसी मिनी हो, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो, किसी में भी जब हम ओपन करते हैं तो क्या हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं? नहीं नहीं नहीं, जो टैब ओपन किया जाता है वो कंट्रोल किससे यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस टी का यूज किया जाता है टैब को ओपन करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल एन का प्रयोग तो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल में किया जाता है नया पेज इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आईएसपी का पूर्ण रूप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आईएसपी, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। हाँ, आईएसपी का पूर्ण रूप या फुल नेम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आ सकता है क्वेश्चन, तो आप रट लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एमएस वर्ड में डेटा को जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे होती है, तो हाँ करेक्ट आंसर है बी नंबर सही है, जो जस्टिफाई करने की शॉर्टकट की होती है वो होती है ट्रू। आप जब एमएस वर्ड ओपन करेंगे या एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, एक छोटी लाइन होती है, एक आपको बड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, ये बड़ी, और आपको जस्टिफाई ऐसे देखने को मिलेगा, बराबर रहेंगे सारी लाइनें, ओके। ये हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, एक राइट अलाइनमेंट होता है, और एक आपका सेंटर भी होता है और एक जस्टिफाई भी होता है। तो जस्टिफाई की जो शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस जे होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है विंडोज स्टार्ट मेन्यू को क्लोज करने के लिए ESC कीज का प्रयोग किया जाता है। विंडो स्टार्ट, जब आप विंडो की प्रेस करते हैं तो आपको एक टेबल, यानी कि वो जो विंडो वाली होती नहीं है, सर्च लिख के आ जाता है विंडो, अगर 7 यूज करते हैं स्टूडेंट को पता होगा, तो वो टेबल ओपन हो जाती है। जैसे उसको हम स्किप, यानी कि उसको हम हटाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमको प्रयोग क्या प्रयोग करना होगा, एस्केप की या ESC की, जो ESC की आपको देखने को मिल रही है इसको एस्केप भी की कहते हैं, एस्केप की भी बोलते हैं, हो सकता है एस्केप की पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो ESC की का मतलब ही होता है एस्केप की या ESC की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ये अपने दोस्तों तक वीडियो जरूर शेयर करिएगा। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन ऐड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में पूरी तरह से हेल्पफुल होने वाली हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है, तो मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पर वीडियो आप सारी देखिए, और यूट्यूब पे और भी चैनल हैं और सारी वीडियो हैं उनको भी देखिए, जिससे आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में हेल्पफुल मिले। मैं आपको यही विश करूँगा कि आप एग्ज़ाम में 100% दें, आप अच्छे से पास हो जाएँ और आपका मार्क्स भी, यानी कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आए, यही मैं कामना चाहूँगा गॉड से। तो अगर आपका एग्जाम है तो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, ओके। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ आपको किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो।